हेलो एवरीबॉडी, हेलो सर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ एल्स। आज मैं आप सभी को एल्स पढ़ाने जा रहा हूं। एल्स के दो मीनिंग्स होते हैं। एल्स हैज टू मीनिंग्स, एक अन्यथा और दूसरा और, राइट? लुक हियर, आई हैव गिवन यू द स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर दे रखा है, इस टाइप से आप बनाएंगे सेंटेंस को, राइट? व्हाट एल्स पहले आएगा, फिर इसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सहायक क्रिया, और इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, कर्ता, और इसके बाद में आपका वर्ब आएगा। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन होगा, राइट? सो लुक हियर एग्जाम्पल। नाउ वन एग्जाम्पल, आप और क्या खरीदेंगे? लुक हियर, तो पहले और क्या, व्हाट एल्स, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब परचेज। आई होप इट इज क्लियर, राइट? लुक हियर द सेकेंड एग्जाम्पल, आप और कहां घूमेंगे? ओके, तो वेयर एल्स विल यू वंडर या रोम, राइट? नाउ लुक द थर्ड वन, आप और फिर कब आएंगे? When else will you come? Now next one, और किसने आपको गाली दी है? So who else has abused you? Now next is, और किसको आपने बुलाया? Whom else did you invite? या कॉल भी लगा सकते हैं आप। Now the next one is, श्रीमान जी, मैं आपसे और कैसे बात करूं? सो हाउ एल्स, सेल भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं। आई टॉक टू यू, जब ऊ आता है, जाऊं, खाऊं, पढ़ूं, तो सेल भी आप लगा सकते हैं और शुड भी लगा सकते हैं, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने और कौन सी कार खरीदी है? विच कार एल्स हैव यू परचेस्ड? इस टाइप का सेंटेंसेस आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। ये बोलचाल में बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, राइट? सो लुक नाउ द लास्ट एंड द नेक्स्ट वन इज, अब तुम भी औरों की तरह हो गए हो। नाउ यू हैव ऑल्सो बिकम लाइक एवरीबडी एल्स, राइट? आई होप इट इज क्लियर। इससे बहुत सारे सेंटेंस आ सकते हैं, मैं और कुछ नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाई एनीथिंग एल्स। क्या आपने कुछ और खरीदा है? हैव यू बॉट एनीथिंग एल्स? नहीं, मैंने और कुछ नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग एल्स। इस टाइप बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं ये स्टूडेंट्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एवरीबॉडी।